जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर नगर निगम ग्रेटर ने एक बड़ी पहल की है। नगर निगम ग्रेटर की बड़ी पहल इस वक्त की बड़ी खबर है कि नगर निगम आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। जनता के द्वार पर ही हो रहा जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान। विद्याधर नगर जोन के वार्ड नंबर 24 से अभियान का आगाज किया गया। प्रशासन शहरों के संग शिविर में आ रही समस्याओं का समाधान और निगम से जुड़ी समस्याएं और शिकायतों का निदान। एक बार फिर से बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर नगर निगम ग्रेटर की बड़ी पहल देखने को मिली है। एक खास अभियान की शुरुआत की गई है और अभियान का नाम है नगर निगम आपके द्वार, यानी कि हर द्वार तक जाके जन जन तक जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करना, इन समस्याओं को दूर करना, ये प्राथमिकता रहेगी। जनता के द्वार पर जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो पाएगा और विद्याधर नगर जोन के वार्ड नंबर 24 से इस अभियान का आगाज किया गया। प्रशासन शहरों के संग शिविरों में आ रही तमाम समस्याओं का समाधान किए जाने की कवायद है और निगम से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं शिकायतों का निदान भी किया जा रहा है। नगर निगम आम के द्वार, यह है अभियान का नाम। इसी अभियान के तहत समस्याओं का समाधान करने की कवायद। दीपक हमारे साथ ही जुड़ चुके। दीपक, क्या जानकारी? नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम के आज से शुरुआत हो चुकी है। वार्ड नंबर 30 से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें जो समस्या और शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो, जनता और नगर निगम के बीच दूरी कम हो, नगर निगम प्रशासन की जवाबदारी सुनिश्चित हो, जनता के मांगे गए सुझाव और वार्डों का विकास, इसको लेकर आज जनसुनवाई की जा रही है। इससे विद्याधर नगर से इसकी शुरुआत की गई है। विद्याधर नगर विधायक नरसिंह सिंह राजगी, मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर और जो जनप्रतिनिधि है वो इस कार्यक्रम में मौजूद है। लेकिन देखिए, यहाँ कांग्रेस पहले ही दिन कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार इसलिए कर दिया है कि उनका कहना है कि ये कार्यक्रम नगर निगम का नहीं होकर राजनीति का ज्यादा कार्यक्रम लग रहा है, भाजपा का ज्यादा कार्यक्रम लग रहा है, क्योंकि मंच पे जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो भाजपा के या तो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं या पार्षद पति हैं। ऐसे में जहां नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को मंच देना चाहिए था, पार्षदों को बुलाया गया लेकिन उनको साइड में बैठा दिया गया। ऐसे में कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इस अभियान की शुरुआत तो कर दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस अभियान की शुरुआत करने से लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? क्या जो लोग हैं जो नगर निगम की अफसरों की चौखट पर दर दर भटकते हैं, क्या उनकी समस्याओं से उनको निजात मिलेगी? क्या नगर निगम में अब जो लोग अपने समस्या या फरियाद लेकर आते हैं क्या उनको अब नहीं आना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, ये सुनवाई की जरूरत जब पड़ती है जब आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है। हालांकि पहल अच्छी है, इससे पहले मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर का जो पहला था, सोम्या गुर्जर ने जोन स्तर पर सुनवाई की थी, लेकिन वहाँ पार्षदों की उन्होंने सुनवाई की थी, पार्षदों को सुना था, लेकिन अब यहाँ आमजन से वो रूबरू होंगी, उनकी शिकायतों से रूबरू होंगी और किस तरह से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है उसको लेकर ये प्रोग्राम शुरू हुआ। बिल्कुल, कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ेगा दीपक, जानकारी मिल पाएगी कि क्योंकि लोग जो है दफ्तरी चक्कर काट काट कर जब निराश हो जाते हैं तो ऐसी मुश्किलों से समाधान हो पाएगा या नहीं। और भी कई समस्याएं होती हैं जनता की, कैसे समाधान कर पाएगी नगर निगम ग्रेटर, इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और मुद्दे पर आपसे जानकारी लेंगे। वो मुद्दा सबसे पहले बता दें, मुद्दा है महंगाई से जुड़ा हुआ।